हिंदुस्तान जिथे धर्म का पालन करन दे संदेश रचे गए तो थे धार्मिक आस्थावां दा जबरन खंडन किया जा रहा सी। इंसानियत बिखरन लगी सी। वलैती हुकूमत दे थले सूफी संता ते पीरां फकीरां दी आवाज किते दबी जा रही सी। जात पात ऊंच नीच ते मजहब दियां दीवारां ने इंसाना नूं वंड के रख दिता सी। Thank you.
बाबे नानक ने अवतार तारिया। सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया, कल तारन गुरु नानक आया। सतगुर नानक प्रगटिया, सतगुर नानक प्रगटिया। Thank you.
की गल है दौलता तेरिया अखा छंजू सब ठीक तो है ना की औलाद पैदा हुई है मेहता कालू देकर खुदा ने पुत्र दी दात बख्शी ये तो खुशी की गल है पर तू खाली हाथ क्यों आ रही है मेहता कालू ने तेनू कोई दात नहीं दिती नहीं हजूर मेहता कालू देता वड्डे भाग मैं ही कुछ नहीं लिया की गल मेहता कालू ने थोड़ा दिता सी तू मैनू दस की चाहिए तेनू अनाज कपड़े या फिर जेवर नहीं नहीं राय साहब दरअसल मैनू ही हुण चोलियां अड्डन दी जांच भुल गई मैं रज गई है ओ किदा सच जानियो राय साहब मैं हुण मेहता कालू दे पुत्तर कोलो बहुत कुछ ले आई हां बढ़िया अजीब गल्ला कर रही है दौलता उस जम दे बच्चे ने तैनू ऐसा की दे दित्ता राय साहब अज तक मैं जिदे भी कर गई ਤਾਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਮੰਗਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੁੱਢੜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਅੱਡੀ ਨਾ ਦੀ ਦੌਲਤਾ ਸਾਂ ਪਰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਸਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧਨਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੱਜ ਗਈ राम राम राय साहब राम राम पंडित हरदयाल जी बड़े वक्त सिर पहुंच जाते हो अपनी यजमान दी खबर सार लैन अपना तलवंडी है ही छोटा जा लंघते टपते मेहता कालू करे गेड़ा वाजी जांदा बालक दा नामकरण करके आया उस बालक दे चेहरे ते रूहानियत झलकती है ओदे मत्थे दा तेज बड़ा ही अलौकिक है ओदे हत्था पैर स्पर्श विच अजीब जी खिच है मैं नानकी दी जन्म पत्री बनाउण लग्गिआ इक वेखबण कर आया सी कि इस घर विच किसे महान प्रभु दा आगमन होण वाला है कल रात मैं सुपने च एक रूह देखी सी ते उस तों बाद मैनू सारी रात नींद नहीं आई एक अजीब जी उलझन सी पता नहीं वो सुपना सी जां हकीकत मैं शायद ना वेखा राय साहब पर एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वड्डे वड्डे छतरां वाले लोग इस बालक अगे सिर चुकाउणगे जिहदा नाम मैं रखिया है नानक नानक ते बालक वड्डा होके नियामता वंडेगा ते टिक्कियां दा सहारा बनेगा गुरु जी का बचपन तलवंडी विच गुजरिया बचपन विच अपने साथियों नाल खेडदे ते रब्बी ज्ञान दियां गल्लां करदे गुरु जी जद 7 साल दे होए ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਬੋਲੋ ਬੱਚਿਓ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਪਾਲ ਸਤਿਗੁਪਾਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਪਾਲ ਸਤਿਗੁਪਾਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਰਾਮ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਵਾਂ दरअसल मेहता कालू नानक की पढ़ाई नू लैके बहुत चिंता च रहिंदा अजकल मेहता कालू का भी काम च दिल नहीं लगता खिझिया रहिंदा मैं कारण पूछा तो कहन लगा कि उहनू नानक की पढ़ाई नू लैके बड़ी परेशानी हुंदी उहनू इस गल की बड़ी फिक्र है कि नानक पढ़ता जाएगा ना इहदे बारे तुहाडी की राय
राज साहब मैं नानक नू एक सवाल पूछदा वो अगे मेनू दो सवाल पूछदा सवाल केहो जे सवाल वो सवाल इन्हां दे जवाब मेरे कोल भी नहीं है ठीक है उस्ताद जी मैं नानक नू कह देंगा कि वो एहो जे सवाल ना पूछे जिन्हां दा जवाब तुहाडे कोल भी नहीं नहीं राय साहब ऐसी गल नहीं दरअसल बच्चों के सवालों के जवाब है मेरे को पर नानक जो सवाल पूछता है वह बहुत गहरे तुसीं तां मेरी मुश्किल होर बता रहे हो इन्हां सवालों का पढ़ाई नाल की लेना देना वो तो लगता है राय साहब कि नानक का इस दुनिया नाल ही कोई लेना देना होगा नानक पढ़ता जाएगा ना राय साहब वो तो मेरे को भी ज्यादा जानता है ये की कह रहे हो तुसीं उस्ताद हो ते वो चेला तुसीं मैनू तां समझ नहीं रहे राय साहब ते नानक नूं कहने समझो पेड़ की ऊंचाई तो उहदी जड़ा की गहराई नहीं मापिया जा सकता राय साहब पर मेरे लिए जानना मुश्किल नहीं सारी कुदरत की विशालता नानक के मन मंदिर विच बसी हुई मतलब होशियार है वो जद मेहता कालू जी नू गुरु जी ते पांदे विचकार होए सवाला जवाबा बारे पता लगा ता उन्हां दी चिंता होर भी वध गई फारसी उस वक्त सरकारी जुबान सी गुरु जी नू फारसी सिखण लई मौलवी पास पढ़न लई भेजा गया पर पहले ही मुलाकात विच मौलवी नू ए इलम हो गया कि गुरु जी कोई साधारण बालक नहीं बल्कि कोई औलिया प्रगट होया है चलो चलो छेती चलो जनेऊ धारण करन दी रस्म शुरू हो गई होनी है ओ नहीं नहीं अजे थोड़ी देर पहले तो पंडित जी मसा मगरी लेके आए ने मेरे को ओ नहीं नहीं पंडित जी पहुंच गए ने हुने थोड़ी देर तक रस्म शुरू हो जानी है भाई हिंदू धर्म दे इतिहास च जनेऊ धारण करना अत्यंत जरूरी है बिना जनेऊ धारण किए ना तो कोई ब्राह्मण सच्चा ब्राह्मण बन सकता इनकार कर दिता अपमान वाली गल हो गई पुरातन समय तो चलती आ रही धार्मिक रस्म के पान करने वाली गल है इस पालक की बेसमझी करके हो सकता साडे देवी देवते साडे तो नाराज हो जाए साडे शहर ते कोई वड्डी क्रोपी भी आ सकती है ओ पर हुण कीता की जावे की गल कहीं सारे परेशान खड़े हो राय साहब नानक ने जनेऊ पाउण तों इनकार कर दिता इनकार कर दिता मैं चलदा राय साहब ठहरो पंडित जी मेरा ख्याल है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ मेरा ख्याल है कि सानू सारयां नू सबर कर लेना चाहिए सबर खामोशी की गहराई नू मापना सिखा दिंदा है
जब गुरु जी थोड़ा वड्डे होए ता पिता मेहता कालू जी ने उन्होंने घर के कम्मा विच लाउणा चाहिया ते उन्होंने मज्जां चारण का काम सौंप दिता। गुरु जी हर रोज मज्जां चारण ले जांदे ते एक दिन मजा की मत भी मजा आई आता दिमाग मैं कितों का मजा दे जाना सुनदिया गिंदिया नहीं गए जी वेला कोई फिक्र नहीं आ कि मेरिया मजा छप्पड़ च ना चल जान पर ना चल जान सारी दिहाड़ी सुता रहिंदा ही ते भरा गल सुन जेड़ियां इहदियां मझां ना चरदियां चरदियां इहनूं ही वेंदियां रहिंदियां ही पता नहीं की कीता ही ते जे किते परे होणे जान ना इक्को थोपी मारदा ओथों पिछे मुड़ आउंदियां भरावा मझां दे हाथ चुम्मदियां आ जे किते इहनूं नाल नजर ना आवे ओहदे किते दणों तक जांदियां आ पता नहीं की जादू कीता इहने पता नहीं की गल ही मझां दे छेड़ू ते मझां दे पिछे पिछे तुरे फिरदे आ पर नानक जेहा छेड़ू आ मझां दे पिछे तुरियां फिरदियां पाडियां सुनदियां गिंदियां नहीं ओ रिया ओ जन्या ओ भरावा होना की आ उधर नानक सुता पिया ही नहीं ओदियां मझां ने उजाड़ता किसी का खेत खेत के मालक ने राय बलार नूं कर दी जे शिकायत जाके तो पहला के राय बलार आ गए अपने जुत्तियां मारे आपा निकली जाते जो राय बुलार खेतां विच पहुंचिया ते नजारा कुछ वखरा ही फसलां पहला दी तरह हरियां परियां लहरा रही राय बुलार नू पूरन यकीन हो चुका सी के गुरु जी कोई साधारण बालक नहीं बल्कि कोई इलाही नूर ने पर पिता मेहता कालू जी अजे भी इस गल तो अनजान से पिता मेहता कालू जी ने गुरु जी नू गृहस्थ जीवन विच पौना चाहिया ते उन्हां दा विआह बटाले निवासी मूल चंद की सपुत्री बीबी सुलखनी नाल कर दिता। Yeah.
पिता मेहता कालू जी ने गुरु जी नू वीर पै दिते ते क्या जाओ चूड़ काने दी मंडी तो कणक चौल ते बाजरा लेके आओ। गुरु जी भाई बाले दे नाल चल पे। रस्ते विच वड्डी संख्या विच भुखे साधु बैठे सन। गुरु जी ने उन्हां पैसिआं दा राशन खरीद के भुखे साधुआं नू भोजन छका दिता ते आप खाली हाथ वापस परत आए। ए देख के पिता मेहता कालू जी नू बहुत गुस्सा आया ते उन्हां एक जोरदार थप्पड़ गुरु जी दे मारिया ते क्या मैं तेनू सौदा करन लई पैसे दिते सी ते तू घर लुटा के आया। हे सुन के गुरु जी कहन लगे एहो ही ता है सच्चा सौदा। हे सुन के पिता मेहता कालू जी होर भी गुस्से विच आ गए ते उन्हां गुरु जी नू सुल्तानपुर लोधी भेजन दा फैसला कर लिया। आपा क्यों लेना है आपा घर चलिए।
मैं किन्ने दिन तो देख रहा कि जेड़ा भी अंदर जाता बड़ा खुश खुश नजर आंदा है वो मेनू तो नानक के तौर से कोई गड़बड़ी लगती है इस तरह गुरु जी ने सुल्तानपुर लोधी दी रियाया नू सब तेरा कह के अनाज वंडिया पर सिपाहियां ने इस दी शिकायत नवाब दौलत खां लोधी अगे कर दिती ते नवाब दौलत खां लोधी ने गुरु जी दे वही खाते दी जांच पड़ताल करन लई अपने मुंशी नू बुलाया। हजूर मैं नानक दे वही खातियां दी चंगी तरह जांच पड़ताल कीती हिसाब किताब बिल्कुल दुरुस्त है पर सिपाहियां ने तो शिकायत की है नानक साहब नू तेरा तेरा कह के बराबर तोलदा है फिर हिसाब किवें दुरुस्त हो सकता है। हाँ हाँ ये गल बिल्कुल ठीक है कि नानक साहब नू तेरा तेरा कह के बराबर तोलदा है पर बड़ी अजीब गल है कि मोदी खाने च जिन्ना अनाज होना चाहिदा सी बल्कि ओहदे नालों भी किते वध है। नानक दे तौल विच बड़ी बरकत है हजूर बड़ी बरकत। गलती हो गई हुजूर माफ कर दे हुजूर। हुजूर नानक हेरा फेरी नहीं कर सकता वो ते सगो अपनी अद्धी नालों भी ज्यादा तनखा गरीबा विच वंड दिंदा है। असी नानक नाल निजी तौर ते मुलाकात करांगे। सुल्तानपुर रहिंदिया गुरु जी बेई नदी विच इशनान करन लई जांदे। एक दिन गुरु जी बेई नदी विच इशनान करन लई गए ते अलोप हो गए। नगर विच गुरु जी बारे तरह तरह दियां गल्लां होण लग पईयां। ओया वेख लो भाई हर पासे यही धुम्मिया के नारक ने बेई च छाल मारती। ओए ओने ते बेई च छाल मारनी ही पहला तेरा तेरा करके सब कुछ लुटाता ते जदों नवाब साहब ने हिसाब मंगया पता ही भी कोरा झूठा है शर्म नाल ही डुब के मर गया ते ओ कमला भगीरत ओ तिन्ना अड़ना बेई दे कंडे डिक्की जांदा जानू। ओ कमलिया दिने सुपने वेखी जाना ओ जेड़ा डुबी गया ओ किथों मिलू। ओ मिलू नहीं मिल गया जे हैं ओ नारक डुबण वाले चो नहीं डुबण नू तारन वाले चो जे अज तीन दिन बाद नारक बेई चो प्रगट होया ते सब तो पहला भगीरत नू मिलया जे ओ अपने पिंड दा गोपाला नहीं। हां ओ कहिंदा सी नानक वेई चो निकलदे सारी भगीरत नू गाला लाया ओनू मूल मंत्र ते निर्मल भेद दे के नवाजया जे। ओ जा सोंदे मल्ला कवड़ा अपनियां मारी जाना ओ जा भरा गप के होर नू मार एवें ना मूर्ख बना सानू। ए कौंका ओ तुहानू मैं ते यकीन नहीं ना हत्थ कंगन नू आसी गी ओ भगीरत जी इधर ही तुरे आंदे आ तुसीं आपे पुछ लो उहनां नू। सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। वाह वाह भगीरथ जी वाह बड़े तुसी बोल की रहे पढ़ियो ये बोल नहीं ये बाणी है नानक दी बाणी। नानक दी बाणी भगीरथ जी मैनू ये दसो नानक वेन चो सची प्रगट हो के तुहानू मिलिया। हाँ पढ़ियो ये बिलकुल सच है। ताइयो मैं सोचा इना खुश खुश नजर क्यों आंदे आ मैनू ते लगदा नानक नू वेन चो कीमती पत्थर ते लाल मोती मिलिया ते कुछ उहने विचो इना नू भी देते आ। पढ़ियो नानक हुणा जो मैनू दिता है ओ मैं तुहानू नहीं दस सकदा। ओ भाई ये तो फिर भरा वाली गल आई ना चल दस नहीं सकता बखा दे बखा दे असी कड़े खो लेने नहीं बखा सकता। क्यों गुंगा गुड़ खा के ओदा स्वाद दस सकता की मतलब। चलो तुसी भी चलो मेरे नाल ते करो नानक दे दर्शन आपे समझ जाओगे। सत्ता पुरख निर्भय
गुरु जी जब तीन दिन बाद वेही नदी विचों प्रकट होए ता उन्हें अकाल पुरख वालों होए हुक्म उन सारे क्या कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। ये सुन के पंडता ते मौलवियां दी चढ़ मच गई। लाहौर बिना कुफर कुफर तोलता कुफर आखद हिंदू मुसलमान विच कोई फर्क नहीं। ना जे हिंदू हिंदू नहीं है मुसलमान मुसलमान नहीं है ते की वजूद है साडा। दिमाग खराब हो गया उसका हवा तवा बोलता है कहता है सब दा मर के ठीक है मन ले तेरी गल जे तक तू आखदा है ते हिंदू मुसलमान विच कोई फर्क नहीं ता चल मेरे नाल ते मेरे नाल मस्जिद विच जाके नमाज अदा कर जे ता तू सच्चा निकलिया असी तेरे मुरीद नहीं ता इस तरह गुरु जी मौलवी दे नाल मस्जिद विच नमाज अदा करन लई गए। मौलवी साहब ताड़ा ध्यान ते घर नव जम्मे बछेरे वाल सी के किते ओ खुश ना डिग पवे। और नानक मैं ता तेरे नाल नमाज शामिल सी फिर तू मेरे नाल नमाज अदा क्यों नहीं कीती। ते गुरु जी कहन लगे नवाब साहब तुसी ता काबल कंधार विच घोड़े खरीद रहे सी ताड़ा दोवां दा ध्यान नमाज विच नहीं सी ते फिर मैं नमाज किस नाल अदा करदा। ए सुन के नवाब ते मौलवी दोवें गुरु जी दे मुरीद हो गए ते उन्हां गुरु जी नूं अपनी नौकरी जारी रखण दी तजवीज कीती। पर गुरु जी कहण लगे के वेही नदी इशनान समय ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮਣ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ
दुनिया भैड़ी ओदे बारे एवे उलझल उल बोलदी नहीं मैं तां कहनी आ बेबे दे इस लाडले दी दे पैरां च भौं लिखे रब ने आ वेखा जेड़े काम च गया किसे च नहीं टिकिया पर कुड़े तुहानूं इह खबर दित्ती की ने ले अही कोई सुनी सुनाई गल करदे आ आपां की खबर दिंदे आ पाकी ले सुन आ जदों मैं बेबे घर लस्सी लैण गई ते ओह गोदास बैठी सी आखन लगा मेरा काम टाटा औखा जंगला बिया बाना चो लंघना पैना नी कई कई दिन ते भुखे भी रहना पैना अपने बेबे दी नी मोड़दा ओदा लाडला वीर कुड़े बेबे ने ना समझाया अपने लाडले वीर नू नी बथेरा समझाया नी बेबे ने भी बथेरा समझाया कहिंदा बेबे तेरा क्या मेरे सिर मत पर ए मेरे निरंकार दा पुत्र इन्नू नी मैं मोड़ सकदा आख्या जदों गई इशनान समय नदी दे परले पासे समाधि लाई ना त्यो दी सोच ते कुड़े अकाल पुरख सज्जनहारे दे चरणां च जा जुड़ी ते फिर ओनू उस परमात्मा दे प्रतख दर्शन होए उसदा अंदर दे लाई चानण नाल रोशन हो गया ते फिर कुड़े ओनू ते उस परमात्मा दा हुक्म दी सुनाई दित्ता ते हुण ओदा संसार भरमण ते जाणा टालियो नी कुड़े तू ही सारियां इत्थे बैठियां जे बाहर सारा नगर कट्ठा होया है ओ वेखो नानक जांदा जे एक दी सिर दा साईं तुरिया एक दी अख दा नूर एक दे थन विच बिरहा रोए एक दी मां सिंदूर सुल्तानपुर तो चल के गुरु जी एमनाबाद पहुंचे ते जा खुले मैदान डेरा लाया ते भाई लालो दे करो भोजन छक दे खुले मैदान विच सत करदार दा जाप जप दे हौली हौली संतां गुरु जी दे नाल जुड़नियां शुरू हो गया पंडतां ते मौलवियां नूं अपना रसूख घटदा नजर आया ते उन्हां गुरु जी खिलाफ साजिशां शुरू कर दित्तियां नानक तपा नानक तपा नानक तपा पता नहीं की देख लिया ना लोकां ने तपे विच जो ते दुवाले होए फिरदे आ ना वेद पढ़े ना शास्त्रां दा ज्ञान पर फिर भी ओ साडे हिंदुआं दा गल छड्डो पंडित जी आ मुसलमान ही वड्डी गिनती च मुरीद होए फिरदे ने ओए लोकां दा की है ये तो पेड़ चाल है पेड़ चाल छी 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 नखत्रियों का पुत्र होके तो सुधरा करे ठहर कर वो केवल ठहर ही नहीं रहा बल्कि उसे भोजन भी करते है छी 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 अपना धर्म ते भ्रष्ट कर लिया जे पंडित जी हुण साडा भी करज तुलिया जापदा जे सानू जल्द तो जल्द इस बारे कोई ना कोई महास खोलना चाहिए मैनू लगता सानू इहदे बारे भी कुछ छड्डो पंडित जी मैं ये कल सुनिया सी कि ओ नानक कहिंदा अपने मन दी गल जेनू ओ रब दा सुनेहा आखदा है पूरे थां थां भ्रमण करके पहुंचाना है ओ इसे लई उसने रहना नहीं है ते उन्हें चल जाना इत्थों पर मैनू एक व्योंद सूची सी क्यों ना इहदा टाकरा मलक पाकुणा करा टाकरा मलक पाकुणा हां मौका चंगा है मैं सुनिया है मलक पाकुणे हुक्म दित्ता है शहर दे सारे साधु ओने द्वारे आके ब्रह्म पोज करन ये तपे नानक ने उठे जाना नहीं बस आ गया ना पंगा वो आपे नु चोक के नगर तो बाहर कर दूंगा ओ हुंता नानक तपे दा मक्कू बच जाए ले ओ सुनो 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 महादानी महाज्ञानी मलिक पागू जी अपने पिता दा श्राद्ध करा रहे ने इलाके दे सारे संता महात्मा नु सद्दा दित्ता जांदा है बल्ले 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 बढ़िया रौनकां लगियां ने लाटू
ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ। ਏ ਬਾਪੂ ਕੀ ਸਾਰ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਕਿਹੜੀ? ਬੰਦਿਆ ਮਾਇਆ ਖਾ ਕੇ ਜੀ ਢੇਰੀ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖੌਫ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਹਿੰਮਤ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈਏ ਤੇ ਆਏ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਰਾਮਚੰਦ
ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਤਬੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖੇ ਤਪੇ ਤੁਪੇ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਖੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਐਵੇਂ ਮੱਕਰ ਮਾਰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਚ ਆਇਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤੂਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਪੋਚ ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਫਕੀਰ ਜਿਹਨੇ ਰਾਣੇ ਮੈਦਾਨ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਨਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਬਾਬੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿੱਠਾ ਗਾਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਸ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਪੋਚ ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਦਾਣੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਕੀ ਬਣਦਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਰੀ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਮਨ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਅੱਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਚੜ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅੱਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਚੁਕਾਏ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਉਣ ਪਰ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਜੰਮੇ ਸੀ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਮਰਨਗੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਆਖਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚ ਲੋਕ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੀਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੀਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨੀਚ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਠੂੰਗਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨੀਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੀਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਅਜ਼ਾਦ ਸਪਾਹੀਓ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੀ ਖੱਲ ਦੇੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਉੱਚੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਨਾ ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭੋਜਨ ਪੱਕਦਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਚੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗਜਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਗਜਬ ਹੋ ਗਿਆ ਗਜਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂੜਿਆਂ ਚੋਂ ਲਹੂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤੇ ਲਾਲੋ ਦੀ ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਹਲਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
मलिक नूं कहा कि तेरी जमा पूंजी ते इन्ना गरीब लोकां दा भी हक है, तो लोकां दी सेवा करया कर, नाम जप किरत कर ते वंड के छक। इथो गुरु जी तलंबे वल नूं चल पए, जिथे सज्जन नाम दा व्यक्ति जिस दी सरां सी। ओ नाम दा सज्जन सी पर दिल दा ठग। जदों गुरु जी उन्हां कोल पुजे तां उन्हें गुरु जी नूं ही अपने जाल च फसाउणा चाहिया। हजूर, इक मुट्ठी मुर्गी आई जे नाल उहदे नौकर है, ते नौकर ने पंड चुकी है। हजूर, मैनूं तां कोई मोटी सामी लगदा है। हजूर, मैं थोड़े कहण तो पहले ही उन्हां दे खाने पीने वास्ते वधिया भोजन ते सौण वास्ते ते रेशमी बिस्तरे बिछा के आया। हजूर, मैं उन्हां दे खाने दे विच बेहोशी दी बूटी पा दी है। शाबाश शाबाश, जाओ वेखो हुण तक तस हो गए होणगे, रंग ते पूरी हिंदरे पाए होणगे। जा वेख। हजूर, ओ तां हजे भी जाग रहे ने। जाग रहे? जरूर तेरे को खाने च बूटी मिलावण लग्या, कोई गलती होई होवेगी। नहीं हजूर, बूटी मैं अपने हथा ना पाई थी ते उन्हां ने खाना खाधा ही नहीं, ओ पलंग छड्ड के भुज्जे बैठे ने। खाना नहीं खाधा? कोई ना, जदों ढिड च चूहे नचणगे ना आपे खा लेंगे। सानू थोड़ी देर इंतजार करना पवेगा। हजूर, अजकल अपने सरां दे विच यात्रों दा आना जाना घट गया। लोग तुहाडे बारे अंदर खाते गल्लां करन लग पए ने, ते लोग तुहानू ठग कहण लग पए ने। ठग? लोग मैनू ठग कहिंदे ने, पर दुनिया च कौन नहीं ठगदा? साडी सारी संस्कृति ही ठगी दी है। मौलवी अल्लाह दे नाम ते नमाजियां नूं ठगदा है, राजा प्रजा नूं ठगदा है, ते बाणियां दुकान ते पास्तू रख के लोकां नूं ठगदा है। ते जे मैं ठग लिया तां की होया? ए ठगी दी दुनिया, ए ठगी दी। ते जो इहदे किते नूं नहीं जानदा मर जांदा है। इहना ते मेरे लोकां च सिर्फ इन्ना फर्क है कि इह लोक झूठे ठगड़े ते मैं सच्चा ठगिया। अजीब दस्तूर है इस दुनिया का, तुसी कुछ लोगों का कतल करो तो तुसी कातल ते तुहाडी सजा फांसी, और तुसी हजारों का कतल करो तो तुसी राजे महाराजे ते बादशाह। छड्ड, जा वेख सुते आ के नहीं। हजूर, हजूर, वो तो हजे भी जाग रहे हैं। ओए, तुम्हें सो क्यों नहीं चलते? इस तरह का यहाँ तक कोई संत जागता है या कोई साटे वर्गा? सानू थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा। मैं खुद भी ऐसा ही हूँ। आवाज कितों आ रही है?
कौन छेड़ रहा है तंदा नू? मेरे जहन मेरे जहन से खो क्यों पै रही है? कौन आया है मेरे द्वारे? कौन आया है मेरे द्वारे? सजना वाले करया कर, नाम जपया कर, ते लुकाई दी सेवा करया कर। ते तो गुरुजी कुरुक्षेत्र तो हुंदे होए हरिद्वार आ पहुंचे। हरिद्वार विच कुछ लोग गंगा विच खलो के सूरज देवता नू पानी दे रहे सन। उते गुरुजी गंगा च खलो के उल्ट दिशा वाल पानी सुटना शुरू कर दिता। ये देख के लोग बहुत हैरान हुए ते इसका कारण पूछया। ता गुरु जी ने कहा कि मैं पंजाब विच अपने खेतां नू पानी दे रहा। ये सुन के सारे लोकी हसन लग पे। ते गुरु जी कहन लगे जे हजारा मील दूर सूरज देवता तक तुहाडा पानी पहुंच सकता है ते कुछ ही मीलां ते मेरे खेतां विच क्यों नहीं? सारिया नू अपने फोकट कर्मा दी सोझी आ गई ते गुरु जी दे मुरीद हो गए। ये तो चलते हुए गुरु जी श्रीनगर बद्रीनाथ केदारनाथ तो हुंदे हुए गोरख मते दे जंगलां विच जा बैठे जिथे जोगियां दे कई मठ सन। मरदाने नू भुख लगे पर जोगियां ने खाण लई कुछ ना दिता। आखिर गुरु दे हुकम नाल मरदाना रीठे दे रुख ते चढ़ गया ते स्वाद नाल मिठे रीठे खान लगा। अजकल उस जगह ते गुरुद्वारा रीठा साहेब है ते गोरख मते दी जगह नानक मता है। ए तो गुरु जी अयोध्या दे रस्ते हुंदे हुए कलकत्ते आ पहुंचे। कलकत्ते तो पैदल ही उड़ीसा ते उड़ीसा तो पैदल ही उड़ी। उड़ी विच एक प्रसिद्ध जगन्नाथ पुरी दा मंदिर है जिथे भारी मेला लगा होया। पंडता ने गुरु जी नू भी आरती विच शामिल होने की बेनती की। मेनु सवेरे फिर स्नान करना पेगा। चल एक पास जाती श्रद्धालु वाहवा लगते ने अज माल चोखा मिलेगा। चलो अपना आसन लाइए। चलती चतुर्भुजो जगन्नाथ
जगन्नाथ जी की जय। जगन्नाथ जी की जय। जगन्नाथ जी की जय। भक्तो जो जगन्नाथ जी के मत्था टेकता है उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। बोलो जगन्नाथ जी की जय। जय हो जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी पांच ग्राहे शीर नी दे और सौ जाती दे रुपये ते 500 ब्राह्मणा नु भोजन करावांगी। इस समय देवतिया नु की भेंट कर रही है भूखनिए। पंडित जी मैं जगन्नाथ जी नु काली दो दे शुद्ध घ्यो दा कटोरा 11 रुपये ते एक नारियल दे कर रही हां। तेरी मनोकामना पूरी होएगी भक्तनिए, जरूर पूरी होएगी। आज शाम भगवान की आरती होएगी, उस समय भगवान नु भोग ला के अपनी मन की इच्छा दसनी है। तेरी मनोकामना जरूर पूरी होएगी, जरूर पूरी होएगी। ले जगन्नाथ जी का आशीर्वाद। बोलो जगन्नाथ जी की जय। जगन्नाथ जी की जय। जगन्नाथ जी की जय। हे भक्तनिये, शुद्ध हृदय ना, शुद्ध रुपये दा, शुद्ध मथा टेक के शुद्ध बेनती कर, शुद्ध शुभ घड़ी है, जगन्नाथ जी दी मूर्ति उत्ते मुस्कान है, तेरी मनोकामना जरूर पूरी होएगी। महाराज तेरी जगानी ने तो तवीत कराया है, तू रहा टैन या टैन कस्मा नु खान दे तेन पोते तेन और लगनी राजी मार मेरी कोई उलादी ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਸ ਇਹੋ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਤਿੰਨਾ ਪੁੱਤ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸਭ ਸਪੁੱਤੇ ਖੜੇ ਖਲੋਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਹਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਠਨ, ਬਹੁਤ ਕਠਨ, ਬਹੁਤ ਕਠਨ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੈ ਦੇਵੀ ਤੇਰੀ। ਰਾਧਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨੱਥ ਭੇਜ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। मैं एक कंगन राधा जी नु पहना दवांगा, तेरी मनोकामना जरूर पूरी होएगी भक्तनिए। ले उनका आशीर्वाद। बोलो जगन्नाथ जी की जय। जगन्नाथ जी की जय। जगन्नाथ जी की जय। बाबा जगन्नाथ जी का ओहो भैया, भगवान दे घर भी चैन नहीं लैंदे ते इत्थे रोटी मिलदी भैया। जब रो करे तगन बन राय प
उड़ंत ज्योति ज्योत मले आन साखी जोत प्रगट होय जोत सुभाव सुभावती होय गुरु साखी जोत प्रगट होय जोत सुभाव सुभावती होय अज चरण कमल मकरंद लोभत मनो आनंद नु मोहि आहि प्यासा दिन मोही भाई प्यासा कृपा जल दे नानक सारन को कृपा जल दे नानक सारन को होए जाते तेरा नाम बासा होए जाते तेरा नाम बासा हर पासे नानक जिथे मैं गया उथे नानक पहला ही विराजमान सी इसने सिर्फ हिंदुआ दे तीर्थ ही नहीं गाए मुसलमाना दिया खान कहां ते जाके अल्लाह नु मंगा रहे है मैं ता सुनया है के बगदाद जाके इसने मस्जिदा दी ब्यापी कीती है ओ बड़ा कुराइया है कहंदा है ईश्वर ते लखा ही हाथ ने पर एक भी हाथ नजर नहीं आंदा लखा ही नैन नक्श ने पर एक भी नैन नक्श नजर नहीं आंदा न भला आ की गल हुई जे ईश्वर की मूर्ति मेरे सामने नहीं होए तो मैं उन्हों का किता ध्यान ब्राह्मण जी इस वेले भगवान नालों दौलत खान लोधी के दरबार का ध्यान करना ज्यादा जरूरी है मेरा सी ओदे तो मन इकट्ठा हो गया मौलवी जी क्यों दरबार गया सी ओदे आशीर्वाद देने लई पर आप चंदर ही नहीं जान दिता मैंने लोग तख्त से बह गए ना लोधी नू रब भुल गया बस आ किसानों के मसले दुकानदारों के कर बधा दिते ने चोरी ठगी शराब चूहे का नाम उच्चा तेला का नाम नीवा बाबर आवेगा तो सब ठीक मैं ते सुनिया है के नवाब नू दिल्ली का तख्त दवाउन का वादा किया है पर कोई बारला ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਵਾਉਂਦਾ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਉਸ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬਾਬਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਸਭ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਧਰਮ ਸ਼ਰਮ ਸਭ ਮੂੰਹ ਲਗਾਈ ਫਿਰਨਗੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗਣਗੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦਰਿਆ ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ ਖਸਮਾਨਾ ਤੀਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ ਆਪੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਈ ਕਰਤਾ ਜਮ ਕਰ
तू सब राख सोई जे सकता सकते कोमारे जे सकता सकते कोमारे तम विरोस न होई तम विरोस न होई। युग बदलते ते राज बदलते वेखे पर अजिहा कहर कदे ना वेख्या। गुरु दे शब्दा ने मेनू शक्ति दिती ओ जद मेरे गुरु नू फड़ के लै गए ते उन्हां नू काल कोठड़ी विच बंद कर दिता ते चक्की पीन ते ला दिता। पर गुरु दी बाणी काल कोठड़ी विच गूंज उठी चारे पासे गुरु दा नूर हो गया। ए देखे बाबर बहुत प्रभावित होया ओ गुरु जी दे कोल आया ते गुरु जी नू रिहा करता ते नाली नाल पंडता ते मौलवियां नू भी रिहा करता। ईश्वर त्रोपी कोई ते सब कुछ चंदा रिया अल्लाह दा कहर नाजिल होया ते सब कुछ तबाह हो गया। मुगला ने ना तक किसे संत महात्मा दा लिहाज कीता ते ना मंदर शिवाले दा ना ना किसे पीर फकीर उते तरस कीता ना मस्जिद मकबरे ते असी धर्म दे नाम ते वंडियां पाईयां नफरत पीसदे एक दूजे नू तगा दिता ते देश नू ऐसे दरो कारण गहरा दे हवा दे ना मैं हिंदू रहा ते ना मैं मेरे गुरु दा भी एहो ही वाक सी के ना कोई हिंदू ते ना कोई मुसलमान। नानक दी गल सच जे पहला इस बारे सोचा ता ए सजा क्यों मिलती। नानक दा सच नानक दा रस सच्चा जो नहीं भी मानते सी अछूतियां पैड़ा ते मैं सारी उम्र न्यास रोचे दा पाबंद रहा ते इसे भी चलना नू भुला बैठा। लोग ते पाप राजा ते वजीर मैं सारी उम्र नानक दे खिलाफ बोलता रहा पर आज मैं नानक दी तलाश कर रहा मैनू खोज है ओदी ओदी बाणी दी खोज सानू भी अपने नाल लै असि भी उस नेक रूह दे दर्शन करना चाहते चलो पक्को सतनाम